मेरे प्रिय साथियों नमस्कार जोहार। चलिए रोज की भांति आज भी जीवन में अपने लिए कुछ नया जोड़ते हैं, तो सुनते हैं एक छोटी सी शिक्षाप्रद कहानी। किसी शहर में एक परिवार रहता था, उसमें दोनों माता पिता और उनके तीन बच्चे थे। एक दिन वे जिस फ्लाइट में रहा करते थे उसमें अचानक आग लग गई। वहाँ रहने वाले सभी लोग बिल्डिंग छोड़कर नीचे की ओर भागने लगे। इसी अनन फनन में उस परिवार की एक बच्ची वहीं फंसी रह गई। तीसरे फ्लोर की खिड़की से चीखने की आवाज़ आई, पापा मुझे बचाओ मुझे बचाओ। सारा कैंपस धुएं से भर गया था, फिर भी पिता ने उसे देख ही लिया। पर वहाँ जाना मतलब दोनों बाप बेटी को आग में झुलसना था, क्योंकि आग की लपटें रफ्तार पकड़ चुकी थीं। इसलिए उसने अपनी बेटी से कहा, बेटी तुम नीचे कूद जाओ, मैं तुम्हें संभाल लूँगा। उसकी बेटी ने कहा, पापा मुझे डर लग रहा है, मैं आपको देख भी नहीं पा रही हूँ। पापा ने कहा, तुम मुझे नहीं देख पा रही हो बेटी, लेकिन मैं तुम्हें देख रहा हूँ, चलो कूद जाओ। बच्ची ने अपने पापा पर भरोसा करके उस ऊंचे मंजिल से छलांग लगाई और सीधे अपने पापा की गोद में जा गिरी। प्यारे दोस्तों, तो ये थी आज की छोटी सी कहानी। हम वाकिफ हैं कि हमारी पूरी जिंदगी ही अनसर्टेनिटी से भरी पड़ी है। हम हमेशा अनिश्चितताओं के संशय में जीते हैं। बहुत बार जीवन में हमें ऐसे कदम आगे बढ़ाने होते हैं जहां हमें अपना फ्यूचर स्पष्ट दिखाई नहीं देता है। तब क्या हम उस सर्वशक्तिमान ईश्वर की आवाज़ को सुन पाते हैं, बेटा बेटी तुम उसमें कूद जाओ, मैं तुम्हें संभाल लूँगा। हे ईश्वर, हमें अपने ज़िंदगी में बस इतना ही सा विश्वास देना। प्यारे साथियों, ये कहानी कैसी लगी और आपको क्या सीख मिली, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। साथ ही वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा घंटी बजाकर। धन्यवाद।